दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को और साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे लेटेस्ट अपडेट दवाओं के बारे में आपको मिलते रहे। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम फोमेट्रोल, फुमेरेट तथा बुडेसोनेट कॉम्बिनेशन के रोटाकेप के बारे में जानेंगे, इसके ब्रांड नेम को जानेंगे, यूज को विस्तार से, साथ ही साइड इफेक्ट के बारे में जानेंगे और वीडियो के लास्ट में जानेंगे रोटाकेप को लेने का सही तरीका क्या है, किस तरीके से आप इसे लें जिससे कि दवा का पूरा फायदा आपको मिले। तो दोस्तों ये सभी बातें इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें जिससे संपूर्ण जानकारी इस रोटाकेप के बारे में आपको मिल सके। मैं हूं आपका दोस्त मोहित आदित्य और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज फिर कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। फोमेट्रोल, फुमेरेट तथा बुडेसोनाइड एक कॉम्बिनेशन की दवा है जो कि पाउडर फॉर्म में अवेलेबल रहती है और मार्केट में इसे कैप्सूल की पैकिंग में उपलब्ध करवाया जाता है। इस कैप्सूल को हम रोटाकेप तथा ट्रांसकेप भी कहते हैं। इस कैप्सूल को आप रोटा हेलर की सहायता से इनहेल कर सकते हैं, जिसके बारे में वीडियो में लास्ट में हम जानेंगे किस प्रकार से प्रॉपर तरीका रहता है इस रोटाकेप को इनहेल करने का और पूरी दवा का आप फायदा उठा सकें। इस सबसे पहले हम जान लेते हैं इसकी ब्रांड नेम के बारे में, इस रोटाकेप की क्या क्या ब्रांड रहती है जिससे आप इसको मार्केट में खरीद सकते हैं। जो इसकी पॉपुलर ब्रांड है उसमें आपको फोरा कोट कैप्सूल जो सिप्ला कंपनी का आता है, उसके अलावा फोम टीट जो सन फार्मा का है, और बुडे फ्लो, बुडे कोट, बुडे प्रेस, ये कुछ अलग अलग ब्रांड आपको मिल जाएंगे। और हो सकता है इसके अलावा भी कोई ब्रांड आपके एरिया में अलग मिले, क्योंकि जो ब्रांड नेम होता है वो डॉक्टर और एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। कुछ मैं लिस्टेड ब्रांड दे रहा हूँ, आप इसको आसानी से देख लीजिएगा। ये सभी ब्रांड में फोमेट्रोल, फुमेरेट तथा बुडेसोनाइड कैप्सूल ब्रांड ही रहती है, आप इससे बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं रहें। और ये जो कैप्सूल है आपको 100 माइक्रोग्राम, 200 माइक्रोग्राम और 400 माइक्रोग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में मिलता है, जिसमें कि फोमेट्रोल, फुमेरेट जो होता है 6 माइक्रोग्राम का रहता है और जो बुडेसोनाइड है इसकी स्ट्रेंथ चेंज होती रहती है। और जो इसकी प्राइस मार्केट में अगर बात करें तो आपको 130 रुपये से लगाकर 285 रुपये तक में लगभग सभी 100, 200 और 400 की स्ट्रेंथ अवेलेबल हो जाती है। अब इसके यूज़ के बारे में जानते हैं विस्तार से, क्या इसका प्रयोग रहता है। यह रोटाकेप श्वास से संबंधित सभी बीमारियों को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को अस्थमा है, जिस कारण से व्यक्ति को श्वास लेने में परेशानी होती है, साथ ही जब श्वास लेते हैं कुछ अजीब सी आवाज़ रहती है, चेस्ट उसकी ब्लॉकेज रहता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ उसको रहती है, बहुत ही ज़्यादा खांसी चलती है, जो उसको सांस चढ़ने लग जाता है, ये कुछ तकलीफें इस अस्थमा में रहती है, तो इसको ट्रीट करने के लिए इसके मेंटेनेंस थेरेपी में यह कैप्सूल डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। साथ ही COPD करके एक बीमारी है जिसमें क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हम कहते हैं, इसमें व्यक्ति के जो लंग्स हैं वो कार्य करना कम कर देते हैं, जो अब शरीर में उपलब्ध हवा है उसे बाहर नहीं फेंक पाते, जिस कारण से व्यक्ति को थकान सी महसूस होने लगती है। और जो ये सामान्य बीमारी है, 85 से 90% पेशेंट इसके वो देखे गए हैं जो स्मोकिंग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, उसमें यह बीमारी बहुत ही ज़्यादा देखी गई है, फेफड़े उसके कमज़ोर हो जाते हैं। इसके अलावा जो 10 से 15% पेशेंट है वो डस्ट में संपर्क आने वाले, साथ ही केमिकल के संपर्क में आने वाले और बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन में रहने वाले व्यक्ति होते हैं, उन्हें यह बीमारी COPD हो जाती है। इसकी मेंटेनेंस थेरेपी में भी यह रोटाकेप काम में लिया जाता है। दोस्तों जब अस्थमा अटैक आता है तो यह कैप्सूल उस ये काम नहीं करता है, सिर्फ मेंटेनेंस थेरेपी में यह काम करेगा। साथ ही यदि कोई पेशेंट 12 वर्ष की उम्र से कम का है तो उन्हें यह रोटाकेप नहीं दिए जाते। ओवरऑल अगर बात की जाए तो श्वास से संबंधित किसी भी परेशानी को ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का प्रयोग डॉक्टर द्वारा लिया जाता है। अब जानते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। दोस्तों क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जो इसके कॉमन साइड इफेक्ट है उसमें व्यक्ति को पूरे शरीर में दर्द रहेगा, जो श्वास संबंधी समस्या को ठीक करने के लिए उसने लिया है वो बढ़ जाएगी, श्वास लेने में ज़्यादा दिक्कत होने लगेगी, उसको छींकें आएगी, साथ ही हाथ पांव में उसके कंपन हो सकता है, शरीर में उसको थकान लग सकती है, सिर दर्द उसको हो सकता है। ये या इसके अलावा भी कोई अनलिस्टेड साइड इफेक्ट अगर आपको मिले तो तुरंत ही इसके रोटाकेप का इनहेलेशन बंद करें और अपने डॉक्टर से मिले, इसे फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके।
और यदि इसकी डोज के बारे में अगर बात करें कितनी मात्रा में लेना चाहिए, तो यह कैप्सूल आपको दिन में एक बार, दो बार या दिन में तीन बार भी डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। यह पेशेंट की कंडीशन पे निर्भर करता है। यह जो स्ट्रेंथ इसकी है 100 माइक्रोग्राम, 200 माइक्रोग्राम, 400 माइक्रोग्राम, यह भी पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। और इस कैप्सूल को आप खाने के पहले या खाने के बाद दोनों ही टाइम में ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सीधी लंग्स में जाती है, पेट में जाके कोई इसका संपर्क नहीं होता है। साथ ही जो मात्रा में आपको डॉक्टर ने यह कैप्सूल लेने के लिए कहा है उसी ही मात्रा में ले, उसे कम या ज्यादा नहीं ले, जिससे कि आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़े। डोज को जानने के बाद में हम जान लेते हैं दोस्तों क्या सही तरीका है इन रोटा केप को इनहेल करने का, जिससे कि इस दवा का पूरा पूरा फायदा आपको मिले। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, यह जो डिवाइस आपको दिख रहा है इसे हम रोटा हेलर कहते हैं। इसमें आपको दो होल दिखेंगे, ऊपर जो है एक बड़ा होल है और जो साइड में दिख रहा है छोटा होल। इस साइड में जो छोटे होल है इसमें आपको रोटा केप इंसर्ट करना होता है। जो ये रोटा केप है आपको डबल कलर का होगा, ऊपर में अलग कलर और साथ में जो नीचे का कलर है बिल्कुल कलर नहीं रहेगा, जिसमें आपको पाउडर फॉर्म दिखाई देगी। जो नीचे वाला पोर्शन है आपको नीचे की तरफ रख के इस रोटा हेलर में पुश करना होता है, फिट करना होता है। और जो नीचे इसके ये रोटेशन के लिए रिंग दे रखी है इसको घुमाएंगे अगर आप, तो ये रोटा केप जो है ये टूट जाएगा और जिसके अंदर पाउडर जो है ये पाउडर रोटा हेलर के अंदर आ जाएगा, जो डिवाइस है इसमें। अब इस डिवाइस को आप दांतों में दबाएं और होठों से इसको कवर कर लें जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, और फिर इसको अंदर की तरफ गहरी लंबी सांस से खींचें। और इसको अंदर खींचने के बाद में आपको लगभग 10 सेकंड तक श्वास नहीं लेनी है, और अगर 10 सेकंड आप नहीं रोक पाए तो जितना आप रोक पाए उतनी देर तक आप रोकें और फिर नाक की सहायता से सांस को बाहर फेंकें, और उसके बाद आप रेगुलर श्वास लेते रहें। और इनहेल करने के बाद भी यदि कुछ पाउडर की फॉर्म रोटा हेलर में रह गई है तो आप इसे दोबारा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों जब आप इसको रेगुलर यूज लेते हैं तो हफ्ते में एक बार इस रोटा हेलर को कंप्लीट तरह से खोलकर साबुन से या सर्फ के पानी से अच्छी तरह से धो लें, जिससे कि इसमें जो पार्टिकल्स पाउडर के पुराने पड़े हैं जो आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं कर सके। तो दोस्तों ये बिल्कुल साधारण भाषा में तरीका था किस तरह से आपको लेना है जिससे संपूर्ण दवा का आपको फायदा मिल सके। और पूरा ये वीडियो मैंने बनाया था फॉर्मेटोल फुमेरेट तथा बुडेसोनाइड कॉम्बिनेशन के रोटा केप के बारे में। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें जो किसी और के भी है काम आ सके। और अभी तक आपने अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन को दबाएं, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन दवाओं के बारे में जब भी मैं अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको मिलेंगे, सबसे पहले आप वीडियो देख पाएं। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिश के साथ और देख रहे थे अपना YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।